आज हम लोग करेंगे नेमचीप शेयर्ड होस्टिंग का डिटेल्ड रिव्यू। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहां पर मैं वेब होस्टिंग के रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं नेमचीप शेयर्ड होस्टिंग के बारे में। नेमचीप यहां पर काफी पॉपुलर डोमेन नेम रजिस्ट्रार है, मैंने इसको काफी रिकमेंड भी किया है एज अ डोमेन नेम रजिस्ट्रार। आज हम लोग बात करेंगे कि ये वेब होस्टिंग के लिए कैसा है, इनका शेयर्ड होस्टिंग प्लान कैसा है। लास्ट ईयर भी मैंने इसका रिव्यू किया था, लास्ट ईयर मुझे इतना पसंद नहीं आया था। इस साल हम लोग देखते हैं कि क्या इसमें यहाँ पे कुछ इंप्रूवमेंट्स हुए हैं, कि आपको कंसिडर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ए टू जेड बात करेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले मैं यहाँ पे शुरुआत करता हूँ इस कंपनी से। नेमचीप यहाँ पे एस्टैब्लिश हुई थी 2000 में, एंड इनका जो मेन पर्पस था वो था डोमेन्स के लिए। एंड धीरे धीरे ये लोग अपनी हर फील्ड में आते जा रहे हैं, होस्टिंग में, सिक्योरिटी में, मैनेज वर्डप्रेस में, सीडीएन में, वीपीएन में, ये आपको दिख जाएंगे। बट जो इनका मेन काम है वो है डोमेन्स का। अब अगर मैं यहाँ पे यूजर इंटरफेस की बात करूँ, तो जैसे ही यहाँ पर आप लोग लॉग इन करोगे, आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे इंटरफेस दिखाई देगा। जैसे हम लोग यहाँ पे होस्टिंग लिस्ट पे जाएंगे, आपको आपका जो भी शेयर्ड होस्टिंग के प्लान्स लिए हैं आपको इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देंगे। एंड यहाँ से मैं सी पैनल पे जा सकता हूँ, मैनेज पे क्लिक कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ डायरेक्टली सी पैनल के ऊपर। सी पैनल यहाँ पर हमें इस तरह से दिखाई देता है, जैसा बेसिक सी पैनल आपको हर वेबसाइट के ऊपर दिखता है वैसे यहाँ पर सी पैनल है। तो यूज़र इंटरफेस इनका इजी है। मैनेज पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, मैनेज पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाता है कि आपके सर्वर लोकेशन क्या है, आपका आईपी एड्रेस क्या है, कितना आपकी स्पेस है, कौन सा आपका प्लान है। जैसे मेरा यहाँ पे स्टेलर प्लान है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे बता देता है। एंड देन डायरेक्टली हम लोग सी पैनल पे लॉगिन कर सकते हैं, ईमेल्स वगैरह डायरेक्टली मैनेज कर सकते हैं। तो यूज़र इंटरफेस इनका काफ़ी ईजी टू यूज़ है, कुछ भी यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। टेस्टिंग पैरामीटर्स की बात करूँ, तो यहाँ पर मेरे पास इनका स्टेलर प्लान है, मेरे पास यहाँ पर इनके यूएस के सर्वर्स है, एंड जो मैंने वेबसाइट सेटअप करी है ये है मेरी वेबसाइट। ओशन डब्ल्यूपी थीम का यूज़ किया है, एलिमेंटर बेस्ड टेम्पलेट है, जिम टेम्पलेट का मैंने यूज़ किया है। जो कैशे प्लगइन है वो है W3 टोटल कैशे, वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आता है नेमचीप के ऊपर, और मैंने यहाँ पर उसको डिफॉल्ट सेटिंग्स पे यूज़ किया है, कोई भी सेटिंग्स मैंने यहाँ पे चेंज नहीं करी है। सर्वर रिस्पांस टाइम की बात करूँ, तो ये रहा मेरा सर्वर रिस्पांस टाइम, क्योंकि यूएस के सर्वर है तो यूएस के आसपास यहाँ पर अच्छा सर्वर रिस्पांस टाइम है, और इंडिया आते आते इसका सर्वर रिस्पांस टाइम काफ़ी बढ़ जाता है। स्पीड की बात करूँ, तो इंडिया में जो मुझे यहाँ पे स्पीड मिली है वो 4 सेकंड के भी ऊपर है, क्योंकि अगेन यहाँ पर जो इनका सर्वर है वो है यूएस में। यूएस स्पीड की बात करूँ, तो यूएस स्पीड मुझे 1.5 सेकंड की मिली है, जो कि डिसेंट है, अच्छी स्पीड से, यूएस में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ डिसेंट। अप टाइम की बात करूँ, तो मैं नेमचीप शेयर्ड होस्टिंग का यहाँ पे अप टाइम ऑलमोस्ट 308 डेज से टेस्ट कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट एक साल मुझे हो गया है लगभग। एंड पिछले 30 दिन की बात करूँ, तो यहाँ पर है 99.87, और पिछले 365 डेज में यहाँ पे 99.9। तो 99.87 कम है, काफ़ी कम है, पिछले 30 दिन का यहाँ पे काफ़ी कम है, और 365 डेज का भी 99.90 इज़ लेस, लेकिन देन अगेन प्राइस के हिसाब से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो अप टाइम इज़ ओके फॉर द प्राइस, लेकिन इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट करे जा सकते हैं। कोई सीरियस बिजनेस आप इस प्लान के ऊपर नहीं कर सकते, क्योंकि अगेन इसका अप टाइम ज़्यादा अच्छा नहीं है, एटलीस्ट 99.94 के ऊपर तो होना चाहिए था। लोड टेस्ट की बात करूँ, तो लोड टेस्ट में यहाँ पर मैंने 50 वर्चुअल यूज़र्स भेजे, यूएस से ही भेजे, क्योंकि यूएस का सर्वर था, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर लिमिट हो गई, लिमिट इसने 10 रिक्वेस्ट के ऊपर ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करी। मैंने 50 भेजे थे और मैक्सिमम इसने सिर्फ 10 ही एक्सेप्ट करी। कुल टोटल यहाँ पर 2500 रिक्वेस्ट करी गई, एंड जो इसका एवरेज रिस्पॉन्स टाइम था वो भी काफ़ी हाई था, अराउंड 3000 ms के आसपास है ये, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पाइक्स भी हो रहे हैं। तो लोड टेस्ट भी इसने अच्छे से हैंडल नहीं किया है, ये वेबसाइट ज़्यादा लोड नहीं ले पाएगी, इनका ये वाला प्लान ज़्यादा लोड नहीं ले पाएगा। कैशे प्लगइन की बात करूँ, तो यहाँ पर कोई कैशे प्लगइन आपको नेमचीप की तरफ से नहीं मिलता है, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट W3 टोटल कैशे इंस्टॉल्ड मिलेगा आपको, जो कि डिफॉल्ट सेटिंग्स पे रहेगा। डेटा सेंटर्स की बात करूँ, तो इनके शेयर्ड होस्टिंग प्लान पे 3 डेटा सेंटर्स मिलते हैं, US, UK, EU। EU यूरोपियन यूनियन इनका अभी नया आया है, और जो प्राइस है, अगर आप लोग यहाँ पे UK या फिर यूरोपियन यूनियन के लोग हैं, तो उसकी प्राइस यहाँ पर थोड़ी इंक्रीज हो जाती है, US की यहाँ पर थोड़ी कम है। देन इनके हर प्लान में यहाँ पर आपको फ्री डोमेन नेम भी मिलेगा, कोई भी आप लोग प्लान ले लो, आपको यहाँ पर एक साल के लिए फ्री डोमेन नेम भी मिल जाएगा, एंड 30 डे मनी बैक गारंटी, और सुपरसोनिक CDN भी आपको मिलेगा। इनका फ्री CDN जो बीटा दिख रहा है, यहाँ पर आपको सुपरसोनिक CDN मिलेगा, जो अराउंड यहाँ पे इनके हिसाब से 50 GB पर मंथ की ट्रैफिक लिमिट हैंडल कर पाएगा। CDN की बात करूँ, तो यहाँ पर आप लोग उसको एक्सेस कर सकते हो, ऐप्स पे जा सकते हो, यहाँ पर आपको सुपरसोनिक CDN मिल जाएगा। जैसे ही यहाँ पर आप लोग उसको एक्सेस करोगे, आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा, यहाँ पर 50 GB की आपको बैंडविड्थ मिल जाएगी। मैंने इसको यहाँ पे यूज़ करके देखा है, लेकिन मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं आया है एट प्रेजेंट, ये अभी फ़िलहाल ये अर्ली एक्सेस में भी है, तो ये अभी आपको फ्री में मिल रहा है, बेटर है कि क्लाउड फ्लेयर का ही यूज़ कर लो, लेकिन अगर चाहते हो इसको यूज़ करना
तो देख सकते हो। यहाँ पर अभी फायरवॉल भी इनकी आने वाली है, वैफ प्रोटेक्शन आने वाला है और मॉनिटर भी अभी आने वाला है। तो अभी बीटा में है, यहाँ पर काफ़ी इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं इनके CDN में एट प्रेजेंट। SSL की बात करूँ तो आपको फ्री SSL सर्टिफिकेट्स मिल जाते हैं आपकी सारी वेबसाइट के लिए। सपोर्ट की बात करूँ तो इनका लाइव चैट सपोर्ट है जो कि फास्ट है, लेकिन इनका लाइव चैट सपोर्ट मुझे इतना अच्छा नहीं लगा है होस्टिंग प्लान्स के लिए। डोमेन के लिए काफ़ी अच्छा लाइव चैट सपोर्ट है, लेकिन वेब होस्टिंग के लिए, शेयर्ड होस्टिंग के लिए इतना अच्छा इनका होस्टिंग नहीं है, सपोर्ट नहीं है एट प्रेजेंट। इनोड काउंट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 3 लाख इनोड काउंट देखने को मिल जाते हैं। मेरे प्लान में 3 लाख इनोड काउंट है। और प्राइजिंग से आने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि नेमचीप ने मुझे इस वीडियो के लिए स्पॉन्सर नहीं किया है। हालांकि अगर आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक से परचेस करोगे तो मुझे थोड़ी कमीशन मिलेगी बिना कुछ आपके एक्स्ट्रा कॉस्ट पे किए हुए। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हैं मेरे नीचे दिए गए लिंक से परचेस करके, थैंक यू। इसके अगर मैं यहाँ पे प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको काफ़ी ऑफर्स देखने को मिलते रहते हैं टाइम टू टाइम। ऑफर्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट करता रहता हूँ, डी न्यूज़ पर भी अपडेट करता रहता हूँ। तो नेमचीप यहाँ पर काफ़ी ऑफर्स लाता रहता है अपनी होस्टिंग के ऊपर। यहाँ पर जो इनका बेस्ट प्लान मुझे लगा है वो है ईयरली वाला, जो स्टेलर प्लान है जो मेरे पास है। यहाँ पर अभी आपको इसमें पे करने पड़ेंगे सिर्फ 1300 रुपये 1 साल के। और यहाँ पर आप लोग स्टेलर प्लस भी ले सकते हो, स्टेलर बिजनेस भी ले सकते हो। मेरे पास जो अभी मेरा प्लान है वो है स्टेलर वाला, 1300 रुपये 1 साल के लिए। तो प्राइस इसकी काफ़ी कम है। पेमेंट ऑप्शंस की बात करूँ तो यहाँ पे इंटरनेशनल डेबिट या क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकते हो, पेपाल भी है। इंडियन पेमेंट के कोई ऑप्शंस नहीं है। रिफंड पॉलिसी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 30 डे की मनी बैक गारंटी मिल जाती है। माइग्रेशंस की बात करूँ तो यहाँ पर आप लोग एक वेबसाइट को फ्री में माइग्रेट कर सकते हो। साइट बिल्डर की बात करूँ तो आपको बेसिक सा साइट बिल्डर मिल जाता है यहाँ पर, इट कैन गेट द जॉब डन। सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो यहाँ पर आपको पाइथन, पर्ल, PHP, रूबी, नोट JS इन सब का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो डेवलपर्स के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। अब इससे पहले यहाँ पर मैं प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करूँ, अगर अभी तक का आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको थम्स अप जरूर दे दीजिएगा, इट रियली हेल्प्स मी अ लॉट। अब अगर मैं नेमचीप के कुछ प्रोज के बारे में बात करूँ तो पहले तो ये अफोर्डेबल है, काफ़ी सस्ते में यहाँ पर आपको वेब होस्टिंग मिल जाती है। इसकी स्पीड्स अच्छी है US में और यहाँ पर आपको फ्री डोमेन नेम भी मिल जाता है। अब अगर मैं इसके कुछ कॉन्स की बात करूं तो ये लोड हैंडल नहीं कर पा रही थी। इसमें डेटा सेंटर्स इसके US में है, EU में है, लेकिन इंडिया में कोई डेटा सेंटर नहीं है, एशिया में कोई डेटा सेंटर नहीं है इनका। होस्टिंग सपोर्ट इनका कुछ खास पसंद नहीं आया है मुझे, बैकअप्स के ऑप्शन भी नहीं मिले थे मुझे मेरे प्लान पे। और जो इनका अपटाइम था उसमें भी इंप्रूवमेंट यहाँ पर करे जा सकते हैं, अपटाइम थोड़ा कम है। नाउ कमिंग ऑन टू बॉटम लाइन, क्या यहाँ पर आपको नेमचीप शेयर्ड होस्टिंग की तरफ देखना चाहिए। मैंने इसका लास्ट ईयर भी रिव्यू किया था एंड लास्ट ईयर और इस साल दोनों में यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, दोनों वैसे ही है, बिलो पार होस्टिंग है ये। मैं इसको ज़्यादा रिकमेंड नहीं कर पाऊँगा फॉर शेयर्ड होस्टिंग। आप लोग डोमेन्स के लिए डेफिनेटली नेमचीप का यूज़ करें, लेकिन शेयर्ड होस्टिंग के लिए मैं इसको यहाँ पर ज़्यादा रिकमेंड नहीं कर पाऊँगा। एक दो सिनेरियो है जहाँ पर आप लोग इसकी तरफ देख सकते हो, अगर आपकी US बेस्ड ऑडियंस है और आपको सिर्फ एक वन पेज वेबसाइट बनानी है सस्ते में जितनी जल्दी हो सके, एक बस आपको वन पेज वेबसाइट बनानी है सिर्फ दिखाने के लिए जिसपे ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं आए, तो फिर यहाँ पर आप लोग इसकी तरफ देख सकते हो। या फिर अगर आप लोग एक बिगनर हो और आपको सिर्फ टेस्ट आउट करना है, देखना है कि कैसे वर्क करता है वेब होस्टिंग, कैसे वर्क करती है, अभी आप लोग सिर्फ स्टार्टिंग ही कर रहे हो, आज तक आपने किसी भी वेब होस्टिंग को परचेज नहीं किया है, आपको सिर्फ देखना है सीखना है, तो फिर आप लोग इनका प्लान ले सकते हो क्योंकि 1300 रुपये में काफ़ी सस्ता प्लान है ये। और यहाँ पर आपको फ्री डोमेन नेम भी मिल जाता है तो आपकी सारी टेस्टिंग यहाँ पर हो जाएगी। अदर देन दैट, होस्टिंगर, होस्ट अरमाडा, A2 होस्टिंग, केमी क्लाउड, फास्ट कॉमेंट काफ़ी अच्छे ऑप्शन है, उन सब की तरफ आप लोग देख सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको थम्स अप दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।